हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है और आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि ये रीडिंग जो है मैं एक जनरल रीडिंग करती हूँ और जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, पीका कार्ड रीडिंग मैं नहीं करती हूँ और जनरल रीडिंग करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। YouTube पे मेरी जितनी भी रीडिंग्स आती हैं वो एक जनरल रीडिंग होती हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यानी कि आप मुझसे पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, तो आप दिए गए WhatsApp नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे उसमें मेरा नंबर दिया होगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे आपको कोई क्रिस्टल लेना हो, एनर्जाइज क्रिस्टल लेना हो, ठीक है, या फिर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग लेना हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आप लोगों की, है ना। ओके, सो क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी और आपके पर्सन के लिए भी कार्ड निकालूंगी, ठीक है, दोनों के लिए कार्ड निकालेंगे हम। एक ही डेक से आज कार्ड निकालूंगी मैं। ये आपके लिए कार्ड है, जो कार्ड अभी निकलेंगे वो आपके लिए होंगे। ओके, सिंप्लिसिटी का कार्ड है, फ्लो का कार्ड, इनर पीस, अबंडेंस, ये आपके कार्ड्स हैं। ठीक, आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालते हैं अब। करेज, ओके, ऑलवेज, आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे अच्छे से। रिलीज, न्यू बिगनिंग्स, वाओ, विजडम का कार्ड। ओके, सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे, ठीक है, तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सबके लिए कार्ड निकालूंगी, यानी कि कार्ड को हम क्लियर करेंगे कि ये कार्ड क्यों आए हैं, ताकि हमारी समझ में और बेहतरीन तरीके से समझ आए। ठीक है, मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या क्या कार्ड्स बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए। देखिए, आप जो हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि होपफुल हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये एक तरीके से बहुत बेहतरीन होगा, किसी समय पे आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे। ठीक, हालांकि आप दोनों के बीच में काफ़ी निगेटिविटी है और मुझे दिखता है जैसे कि आपको अंदर से ये फील ज़रूर है कि आप इस पर्सन को पाएंगे ज़रूर, या आप इस पर्सन के लिए एक जो होता है ना कि बदलाव चाहते हो। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, बदलाव चाहते हो। देखो, समय बदलेगा ना आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ होगा और तब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर पाएंगे। आप सोचते हुए दिख रहे हो, आप फील करते हुए दिख रहे हो कि बस समय जैसे ही बदला वैसे ही मेरी भी फीलिंग्स उसके लिए चेंज होंगी और उसकी भी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज होंगी, और फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ जैसे पहले
रिलेशनशिप हुआ करता था, यानी कि जितना पॉजिटिव आप पहले फील करते थे इस पर्सन के लिए, जितना पॉजिटिव आप अंदर से इस पर्सन के लिए फील करते थे, वो पॉजिटिविटी अब जो है आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली अगर मैं देखूँ तो आप अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम को इंजॉय करना चाहते हो। सिंप्लिसिटी का कार्ड है एंड एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है। देखो, लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स झेली हैं आपने, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी रही हैं जिसको बहुत हंसते हंसते आपने फेस किया है। मतलब ऐसा लगा था जैसे कि आपकी लाइफ में, या कहें तो आपकी ज़िंदगी में, कभी ईश्वर ने खुशियां ही नहीं लिखी हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, मुझे जहाँ तक दिखता है, आप अपनी ज़िंदगी से थक से गए हो, एकदम से पूरी तरीके से ज़िंदगी से थक से गए हो। आप अपने लाइफ में एक तरीके से जो है ना, कुछ बेहतर चाहते हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको एंजल्स के सपने आते होंगे या आपको एंजल नंबर ज़्यादा दिखते होंगे एनर्जी में, ये सब मुझे दिख रहा है। आपका माइंड शांत नहीं रह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना, बहुत तकलीफ़ को फेस करते हुए दिख रहे हो, बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हुए अपने आप को देख रहे हो, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है और यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है। बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेले में यहाँ पे आपको झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपको अकेले में झेलना, अकेले में ये सारी चीज़ें करना। आपको लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। आपको सोच करके ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको। आप इस तरीके के रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो। फ्लो का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बता रहा है इस रिलेशनशिप में अभी भी आपको जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आपके साथ की हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आपको जो है देखा है, समझा है, सोचा है, ठीक है, इस पर्सन ने जो किया सो किया, लेकिन अब जो है आपकी थिंकिंग ऐसी है कि बस हो गया है ना, बस हो गया। अब मुझे इस रिलेशनशिप को, मुझे लगता है कि फुल मून से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं आपकी, यानी कि जो फुल मून आने वाला है उस दिन आप या तो कुछ करने वाले हो, कुछ नई टेक्निक का यूज़ करने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग सा है ना आपको देखने को मिले, यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक तरीके से आगे बढ़ने का, या फिर आपके पर्सन आपके तरफ आए, कुछ ऐसे उपाय करने वाले हो, न्यू मून हो या फिर फुल मून हो, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप को आपको इस एनर्जी में लेके आना है, बदलाव लेके आना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। बहुत हो गया आपका, अब जो है आप चाहते हो कि बस मेरी भी खुशियाँ हैं, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं इस तरीके से टूट के नहीं रह सकती। थोड़ा सा आप अंदर से अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, अभी मेरा टफ टाइम चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि मेरा रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। आपको मन की शांति चाहिए, आपको अपने दिल की शांति चाहिए, आपको अपने दिल की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप अपने दिल में अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को है ना एकदम से बैलेंस करना चाह रहे हो, एक नई तरीके से शुरुआत चाहते हो आप। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि आपकी हीलिंग हो सके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। देखो, आप हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा सा परेशान हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए शायद आपके
जो पार्टनर है इन और आउट करते रहते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। थर्ड पार्टी से कुछ लोग परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे दिखता है जैसे कि आपके पर्सन है ना, आपके पर्सन शायद इसी पर्सन की वजह से आपको अपना टाइम और ना ही आपको क्लैरिटी दे पाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे वो प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो, आप सोच रहे हो कि सब चीज़ सही हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका 20% अगर निगेटिव माइंड है तो आपका बाकी 80% एक पॉजिटिव माइंड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको चाहिए अबंडेंस, आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में सक्सेस, चाहे वो कैसे भी हासिल हो आपको सक्सेस चाहिए। यहाँ पे आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अलग अगर अलग होंगे तो यहाँ पे दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होंगी। ठीक, आप अलग होंगे तो अपने पर्सन के एटीट्यूड के कारण से अलग होंगे। यहाँ पे ये सोच करके आप थोड़ा सा डरते हुए दिखाई दे रहे हो कि आखिर ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, फिर भी आपको भरोसा है कि ये मुझे अनब्लॉक करेगा। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन के कार्ड्स को क्लियरिफाई कर लेते हैं। करेज का कार्ड, सेवन ऑफ वांड्स। देखो आपके पर्सन के अंदर ना, मुझे यहाँ पे देखो टू ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, बिल्कुल भी ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या बिल्कुल भी इनको एक तरीके से जो है क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जिस तरीके से आपके साथ ये कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता है कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा जैसे कि थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, है ना। इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ, इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए पावर, इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट। ठीक है, तब जाके ये पर्सन जो है आगे बढ़ पाएंगे या आपको अपना कमिटमेंट या आपके साथ आगे आने के लिए ये पर्सन कर पाएंगे। ठीक है, मैं ये पर्सन, ये आपके सोचने की बात कर रही थी, अब यहाँ से आपके पर्सन के सोचने की बात कर रही हूँ। तो देखो आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक, रुका हुआ सा है ना महसूस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम नहीं हैं। आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस करना है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, इस पर्सन को बैलेंस करना है, बट ये पर्सन जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों का जो रिलेशन है ना, एक बैलेंस वाली एनर्जी में है, बैलेंस करना है आपको, लेकिन क्या है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। घुटन सी महसूस हो रही है इनको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप दोनों के बीच में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपके पार्टनर का बहुत ही अलग सा नेचर मुझे दिख रहा है। ठीक है, द लवर्स, देखो यहाँ पे कार्ड आया है द लवर्स। देखो प्यार और अट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पार्टनर को जो है ना दोनों ही है, आपके पार्टनर को आपसे दोनों ही है, यानी कि प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर द लवर्स के एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस भरे पड़े हैं।
देखो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और वापस से ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में वो प्यारा सा रिलेशनशिप फिर से बने। ठीक, प्यारा सा रिलेशनशिप फिर से बने, और ये पर्सन उसके लिए ट्राई करते हुए भी दिख रहे हैं। और ट्राई करते हुए मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब पूरी तरीके से एक जो होता है ना कि आपके आपके ऊपर अपना एक जो होता है ना कि फुल हम एफर्ट डाल देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ना आपके पार्टनर कमी कर देते हैं। यानी कि ये मस्त पर्सन मस्त मौला हो जाते हैं, अपने ही धुन में खोए हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना, मैं इनको देख पा रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ़ में फील करते हुए दिख रहे हैं। चैरिट की एनर्जी है न्यू बिगनिंग का कार्ड को क्लियरिफाई कर रहा है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर जल्द ही आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत जल्द। ठीक, और ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के एक बहुत जल्द डिसीज़न लेने वाले हैं, अपनी लाइफ को लेकर के, आपको लेकर के। और ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएंगे। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि बैलेंस करते हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी को छोड़ करके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को छोड़ करके यहाँ पे चैरियट की एनर्जी में आते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी, जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ ये पर्सन को जो है ना, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन करना चाह रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो कितनी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही है चिड़िया, है ना। फाइव ऑफ पेंटिकल विजडम का कार्ड है। ये पर्सन ये सोच करके निराश होते हुए दिख रहे हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े अपनी लाइफ के साथ। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसा कि पहले भी कहा आपको कि थर्ड पार्टी सजेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी सजेशन होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप दोनों के बीच में, और वही मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से एनर्जी जो है आते हुए आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग के लिए गाइडेंस की बात करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस है, आपको एंजल्स यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक, तो आपके पर्सन काफ़ी होपलेस हो चुके हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में विजडम इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक, गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, वाओ वाओ, क्या कार्ड है, कितना प्यारा कार्ड है ये। बहुत बेहतरीन सी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिखता है कि देखिए, आपकी बात मैं करूँगी, आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, आपको करना ये है, आपकी लाइफ में एक तो लव आ रहा है। ठीक है, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन आने वाले हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए। मैं कहूँ कि अगर आपके पर्सन आते हैं और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस पर्सन के साथ। क्योंकि देखो, प्यार तो दोनों करते हो एक दूसरे से, है ना, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, उसमें मैनेज करना ज़रूरी है। और बहुत ही प्यारा सा जो रिलेशन है उसको निभाना भी ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि आपको जो है अभी फ़िलहाल अपने आप को आगे ले जाने के लिए, देखो आप भी चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन निभाओ, और यहाँ पे कार्ड भी बता रहे हैं कि आपको उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अपने आप को हील करना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन जैसे ही आपके सामने प्रपोज़ल रखते हैं, उस प्रपोज़ल को थोड़ा सा देखो, सोचो, समझो, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कार्ड्स में. सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग. आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.